सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को RC24 का यूआई दिखाने वाला हूँ, कंप्लीटली मेन यूआई दिखाने वाला हूँ। यूजर इंटरफेस आपको सभी को दिखाने वाला हूँ, कैसा होने वाला है RC24 का, वो इस वीडियो के अंदर आप सभी को दिखाने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और फोटो दिखाने वाला हूँ, और आप वेट कीजिए वीडियो के एंड तक, बने रहना अगर आपको फोटो देखना है। और वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि ये फीचर्स क्या 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 आने वाले हैं, सभी फीचर्स उसके फोटो के अंदर दिखाए गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तो सभी को कहना चाहता हूं, यार जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। 19K सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा क्लोज है, 19K सब्सक्राइबर्स होते ही एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है, तो जल्दी जल्दी 19K सब्सक्राइब करा दो। और गाइस, जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को अभी के भी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी यहां से। और आप सभी को मैं यहां पर पहला फोटो अभी दिखाने जा रहा हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर। पहला फोटो आप देखोगे इसके अंदर, ये जो आप फोटो देख रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, इसके अंदर यहाँ पर एक स्कोर कार्ड दिखाया गया है रियल क्रिकेट 24 का, जो कि एक गेम प्ले होने के बाद का है। इसके अंदर आपको बटन्स देखने को मिलते हैं, रिज्यूम, रीस्टार्ट, ऑटो प्ले, स्कोर कार्ड, स्टैटिक्स, और यहाँ पर शॉर्ट मैप सेटिंग, ठीक है। ये फीचर्स देखने को मिलते हैं, ये तो सेम टू सेम ही है, लेकिन यहाँ पर जो स्कोर कार्ड है इसका यहाँ पर थोड़ा थीम थोड़ा जो है चेंज कर दिया गया है। ये बहुत अच्छा फीचर लगा है मेरे को भी, और बहुत अच्छा यहाँ पर थीम ये रखा गया है। ये थीम होना चाहिए था पहले से ही, लेकिन इस बार आया है, बहुत अच्छी एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को देखने के लिए। और नेक्स्ट फोटो अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसके अंदर जितने भी मैं फीचर्स होंगे वो बताने वाला हूँ अभी के अभी आपको स्क्रीन पर। आपको दूसरा फोटो अभी दिखाई दे रहा है, गाइस इस फोटो के अंदर आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर वॉच एंड विन चैलेंज ऑफ द डे, स्क्रैच एंड विन, स्पिन द विन एंड वॉच एंड विन का चैलेंज वाला यहाँ पर फीचर इस बार फिर से है, सेम टू सेम है। इसके अंदर बोनस क्वेस्ट रिवार्ड्स होने वाले हैं RC24 के अंदर, जो कि एक बहुत अच्छा चीज़ है, पहले से था RC22 के अंदर, तो RC24 के अंदर भी ये चीज है, और ये मेरे को अच्छी भी लगती है हमेशा के लिए। और अभी नेक्स्ट फोटो में जो दिखाने वाला हूँ उसके अंदर आपको सभी को यूआई देखने को मिलने वाला है RC24 का। क्लियरली जो यहाँ पर यूआई है RC24 का वो दिखाई देगा आपको अभी आपके स्क्रीन पर। मैं अभी नेक्स्ट फोटो यहाँ पर चला देता हूँ, वो आपके स्क्रीन पर अभी आ रहा है। ये है मेन यूआई RC24 के अंदर, जो मेन यूआई होने वाला है वो ये है, आप सभी के स्क्रीन के ऊपर मैंने जो दिखाया है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है आपको यूआई के अंदर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी यहाँ पर। सबसे पहले आपको ऐड IMP का सबसे ऊपर ऑप्शन देखने को मिलता है, फिर ऐड MOB का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है, फिर प्लस XP का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, फिर यहाँ पर टोकन्स देखने को मिलते हैं। बाकी आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इस वजह से थोड़ा एक नज़र आया है XP, वो यहाँ पर दिखाई जा रही है कि कितनी आपके पास XP अवेलेबल है। फिर यहाँ पर मिलता है ऑप्शन सबसे ऊपर मिशन का, जो कि पूरा क्लियरली नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ यहाँ पर मैंने पढ़ लिया है मिशन का ये ऑप्शन है। देन यहाँ पर आपको मिलता है शॉर्ट बुक का, शॉर्ट बुक यहाँ पर RC22 के अंदर भी थी, RC24 के अंदर ऑब्वियसली आने वाली है, तो यहाँ पर ये फीचर भी है। फिर आता है नया फीचर, न्यू फीचर मोड्स का MODS, ये यहाँ पर इसके अंदर आपको होगा क्या आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप कस्टम जो है जर्सीज, यहाँ पर कस्टम आपको अगर मान लीजिए आपको कोई भी कस्टम बैट बनाना है या फिर कुछ भी कस्टम करना है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको मोड के अंदर उसका फिलअप करना है, देन यहाँ पर आपको आपका कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पर उसके बाद मिलता है प्रोफाइल का, फिर नेट्स, फिर टिप्स, और फिर आपको मिलता है सेटिंग, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें तो कॉमन थी बाकी। और यहाँ पर नेक्स्ट आता है यहाँ पर ऑन गोइंग टूर्नामेंट, यानी कि यहाँ पर जो है ऑन गोइंग टूर्नामेंट, अभी यहाँ पर वर्ल्ड कप चला हुआ है, तो यहाँ पर आप ऑन गोइंग टूर्नामेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर वर्ल्ड कप आपको दिखाई देगा, वर्ल्ड कप आप प्ले कर सकते हो, और वो पेड होगा या फिर फ्री, वो यहाँ पर गेम आने के बाद में पता लगने वाला है, ये मैं क्लियरली नहीं बता सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्विक मैच का आता है, क्विक मैच के अंदर तो आपको सिंपल है कि क्विक मैच के अंदर इस बार RC24 के अंदर बहुत अच्छा फीचर है, बहुत अच्छी तरीके से क्वालिटी आने वाली है, आप बोल सकते हो ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दिए गए हैं क्विक मैच के अंदर भी, ठीक है। और क्विक मैच के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलता है टेस्ट मैच, टेस्ट मैच में यहाँ पर सिंपल है, जैसे टेस्ट मैच पहले होता था ऐसे ही टेस्ट मैच इस बार भी होगा, थोड़ा बहुत ग्राफिक्स इंप्रूव हो चुके होंगे, बस ये आपको यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है यहाँ पर होम का बटन, जो कि पहले यहाँ पर नहीं होता था लेकिन इस बार आ गया है होम का बटन सबसे नीचे, और ये जितने बटन से इस बार सबसे नीचे कर दिए गए हैं। और यहाँ पर आ रहा है मल्टीप्लेयर, फिर टूर्नामेंट, फिर यहाँ पर आ रहा है स्टोर्स, ठीक है। ये कुछ फीचर्स आ रहे हैं इस बार RC24 के अंदर जो मेन UI के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है यहाँ पर टूर्नामेंट्स के अंदर, अगर आप क्लिक करते हो टूर्नामेंट बटन पर तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती है वो आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाने वाला हूँ। टूर्नामेंट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको देखने को ये मिलेगा, जैसे ही आप टूर्नामेंट पर क्लिक करोगे तो आपको ये देखने को मिलने वाला है स्क्रीन के ऊपर, जैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ऑनगोइंग टूर्नामेंट, देन यहाँ पर इंटरनेशनल,
फिर यहाँ पर आपको मिलेगा डोमेस्टिक टूर्नामेंट, यानी कि इस बार कैरियर मोड यहाँ पर नहीं है, वो आपको स्क्रीन के ऊपर मैंने पहले भी बताया था, यूट्यूब के ऊपर भी वीडियोस के अंदर मैं पहले बता चुका हूँ कैरियर मोड इस बार नहीं आ रहा है। और कैरियर मोड होता तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत अलग से ही एक तरीके से टैब देखने को मिल जाता कैरियर मोड के नाम से, तो यहाँ पर कैरियर मोड नहीं आ रहा है। बाकी देखिए जितने भी यहाँ पर टूर्नामेंट्स होंगे वो इंटरनेशनल, आपको खेलना है तो इंटरनेशनल पर आप क्लिक करोगे, अगर आपको डोमेस्टिक खेलना है तो आपको डोमेस्टिक पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर अगर आपको ऑनगोइंग टूर्नामेंट जो कि चला हुआ है यानी कि IPL या फिर आप बोल सकते हो वर्ल्ड कप, कोई भी एशिया कप ऐसे टाइप का कोई भी टूर्नामेंट चला हुआ होगा तो आपको ऑनगोइंग टूर्नामेंट के अंदर वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको बाकी फीचर्स मिलता है, एक बार नीचे वो जो मैं फीचर बताना भूल गया था वो है मोड्स का, ठीक है, मोड्स का फीचर मिलेगा। ये मोड्स वो वाला मोड्स नहीं है जो आप सोच रहे हो कि कस्टमाइजेशन वाला, ये मोड्स वो नहीं है, ये है गेम प्ले मोड्स का, ठीक है। तो बाकी देखो ये फीचर्स मैंने आपको बताई यूट्यूब के ऊपर, अभी तक ये चीज़ रिवील नहीं की गई थी किसी के भी द्वारा, किसी भी यूट्यूबर के द्वारा, जो कि चीज़ रिवील बहुत पहले हो जाएगी। बाकी आप सभी को दिखा देता हूँ ये एक और यहाँ पर आप सभी के लिए एक्सक्लूसिव चीज़ है, ये यहाँ पर होने वाला है मल्टीप्लेयर का, जो कि आप एक तरीके से आप अपने प्लेयर्स को अपॉइंट करते हो वो यहाँ पर है। उसके अंदर एक फीचर आपको देखने को मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स का, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आपको प्लेयर्स को जो है कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले हैं, आपके जितने प्लेयर्स होंगे वो यहाँ पर, बहुत अच्छा एक फीचर मेरे को लगा है RC24 के अंदर जो आने वाला है। बाकी तो सेम ही फीचर है इधर, बाकी यहाँ पर जर्सी लोगोस और बैट स्टिकर्स के फीचर आपको देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पर इसका UI जो है वो यहाँ पर सेम टू सेम देखने को मिल रहा है जैसे पहले था, थोड़ा बहुत यहाँ पर इंप्रूवमेंट उसके एक तरीके से आपको थीम में किया गया है, थीम यहाँ पर आपको इसकी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। बाकी तो यहाँ पर कोई इंप्रूवमेंट इसके अंदर नहीं लग रहा है। बाकी अगर आपको कोई भी वीडियो के अंदर मिस्टेक लगे उसके लिए मैं आपको अभी के सॉरी बोल देता हूँ। और बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, और जिसने भी अभी तक यार सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कर लो, क्योंकि यार मेरे 19 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं। 19 के सब्सक्राइबर होते ही आप सभी के लिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो आने वाली है, बहुत बड़ी वीडियो आने वाली है आप सभी के लिए, और बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं उस वीडियो को। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी वीडियो के अंदर अगर आपको कोई भी कमी लगी हो उसके लिए मेरे को कमेंट में जरूर बताना, आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए मेरे को वो भी कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं कोई अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, साइनिंग ऑफ, भारत माता की जय।